हम लोग अभी फ्री हुए, घर जा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से मौसम खराब हो चुका है और बर्फ लग चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बर्फ जो है हवा के साथ आ रही है, बहुत तेज मुंह पे बज रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। उम्मीद करता हूँ पिछला व्लॉग आपको पसंद आया होगा जिसमें दादी ने थोड़ी सी चैरिटी की थी। तो आज एक नया दिन है, आज क्या नया है वो मैं आपको आगे आगे इस व्लॉग में बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस व्लॉग को शुरू करता हूँ। तो मुझे कहीं जाना है तो किचन में कौन कौन है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दादी, कहाँ गए? गुड मॉर्निंग मम्मी। तो मुझे जाना है, आप मुझे सब जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट दे दो। तो मुझे कहाँ जाना है दादी? मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है? बारिश आ रही है, जा रहा है। और आज प्रिडिक्शन बर्फ की है 1 बजे से। और अभी मुझे कहाँ जाना है वो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। आपने कर लिया? ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, ऐसा ना, बारिश आ रही है ना, ठंड भी है। हाँ जी, ध्यान से। हाँ जी, अपना ध्यान रखना है, ऐसे नहीं जाना कि भाई हम बारिश से और इस ठंड से लोग बीमार हो रहे। बिल्कुल दादी, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है? ध्यान से। हाँ ठीक है दादी, आशीर्वाद दे दो। बाय बाय। ठीक है मम्मी, बाय। तो आशीर्वाद ले लेता हूँ मैं। बाय बाय। ठीक है दादी, ओके, जल्दी आएंगे, जितना जल्दी हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ मैं इतनी जल्दी मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज है क्रिकेट मैच, तो एक भैया का फ़ोन आया था कि इस बंदे पूरे नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके साथ पहले भी खेलता था। और इससे पहले मैं हिमाचल टीम से अंडर 15-17 लास्ट टाइम वही खेला हूँ। और यहाँ पर थोड़ी बहुत पिछली साल खेला था इनके साथ क्रिकेट, अब एक साल बाद खेलना पड़ेगा। आई डोंट नो खेला जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे टाइम पास के लिए तो सब खेलते हैं। कोशिश करूँगा अच्छा खेलूँ। और सब लोग चले गए, आज ही मैच है। और आज वेदर फोरकास्ट भी है कि स्नोफॉल भी होगी, तो हमें टाइम से उस जगह पहुँचना पड़ेगा। तो मैं बस जा ही रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ पर भैया वेट कर रहे हैं। तो भैया इस गाड़ी में वेट कर रहे, कब से जाना पड़ेगा। हेलो रिक्की भाई, कैसे आप? बढ़िया। लेट करा दी मैंने आपको। हम लोग पहुंच चुके हैं झिकनी पूल, और ये है झिकनी पूल का ग्राउंड। मैं पहली बार इस ग्राउंड में खेलूंगा, मैं कभी आया भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा झिकनी पूल, कम आया हूँ झिकनी पूल। और किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया था कि झिकनी पूल जाएंगे तो झिकनी पूल की वीडियो बनाना। तो झिकनी पूल में ये आगे है खड्ड, यहाँ पानी बहता है। टीम के कुछ मेंबर्स आ चुके हैं, भैया मुझे मिल चुके थे, इनके साथ आया हूँ मैं, 2-3 लोग और आए, बाकी लोग आने वाले हैं। और ये पानी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वाओ, काफ़ी सालों बाद ऐसा एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है मुझे। और आई होप हम अच्छा खेलें और अच्छा परफॉर्म करें। पता नहीं जैसा भी होगा आपको दिखाता जाऊँगा आगे। वाह पानी, और ठंड इतनी है कि आज वेदर फोरकास्ट भी है कि बर्फ़ पड़ेगी। लेट्स सी। ये है जी हमारा फुटहिल, जहाँ हम रहते हैं। हम लोग इस हाइट की चोटी पर रहते हैं, और इस साइड को वो लाड़ी बमटा जो मैं दिखाता रहता हूँ। और ये यहाँ पे पानी है, इसको क्रॉस करके जाना है। बच्चा भी आ रहा है एक आगे से, और ये नॉर्मल यही रास्ता है जो क्रॉस करने का है, थोड़ा संभल के जाना पड़ता है यहाँ से। तो ये है वो ग्राउंड जहाँ पे आज हम लोग मैच खेलेंगे, कुछ इस तरह से ही है। तो जैसा भी है यहाँ पर देखना पड़ेगा किस तरह से खेला जाएगा। और यहाँ पर कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप लोकेशन देखिए ग्राउंड की, कितनी खूबसूरत है, खट के साथ ऊपर पहाड़, यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे माइक्स वगैरह लगे होंगे, स्पीकर वगैरह लगे होंगे। झिकनी पूल का कुछ एरिया इस तरफ को है और कुछ इस तरफ को, हम इस तरफ से आए जो अभी इस तरफ से। और अब देखते हैं कब शुरू होता है मैच, अभी हमारे लोग भी नहीं पहुँचे पूरे। मैं आपको बता दूँ ये झिकनी पूल का स्कूल, तो इसी स्कूल का ग्राउंड है, गवर्नमेंट स्कूल, इसी का ही ग्राउंड है, और काफ़ी मज़ेदार और अच्छा है देखने में। हम लोगों की पहली बैटिंग आई है और अब्बू भाई ने बना दिए अपने 50 रन। सिर्फ 6 रन चाहिए इनके 50 के लिए। अब देखते हैं कैसे खेलते हैं। शॉट है। तो अब हमारी फील्डिंग आ चुकी है और हमारे बॉलर्स भी तैयार हो चुके हैं। स्कोर हो चुका है 70 अप, तो देखते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं। तो इसी के साथ पहला मैच समाप्त होता हुआ, और ये मैच हम लोग जीत चुके हैं। हमारी टीम का नाम है बधान 9 शंठा, क्योंकि हम लोग बेसिकली बधान हैं, हम लोगों को बधान कहा जाता है। और ये सारी टीम अभी यहाँ पे इंजॉय कर रही है। नेक्स्ट क्या होगा पता चलेगा, मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा वो सस्पेंस है। आज मैं आ गया, मेरा आगे का पता नहीं, यहाँ हुआ तो ज़रूर खेलूँगा नेक्स्ट मैचेस। तो ये है झिकनी पूल मार्केट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम शॉप्स है,
बस इतना सी मार्केट है, काफ़ी फेमस है, बहुत पुरानी भी है, काफ़ी टाइम से चली आ रही है। तो कुछ शॉप इधर है, मतलब इतनी है अगर आप काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 शॉप्स, बस इतना सा ही बाजार है। सोचा कि थोड़ी सी चाय पी ले क्योंकि सुबह लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था, जितने भी प्लेयर्स आए थे ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो थोड़ा बहुत खा रहे हैं यहाँ पे। ये एक होटल है, ये उतराई में मैं आ गया हूँ। यहाँ से पुल के थ्रू भी हम उस ग्राउंड की तरफ जा सकते हैं, सामने है वहाँ पे SBI बैंक। ये देखिए आप देख सकते हैं सामने SBI बैंक है, काफ़ी अच्छा छोटा सा स्टेशन है ये जिकनी पुल। तो जहाँ हम चाय पी रहे हैं वहाँ पकौड़े नहीं थे, तो मैंने सोचा कि थोड़े से पकौड़े ले जाता हूँ क्योंकि सब लोग काफ़ी भूखे भी हो गए। तो यहाँ से नीचे को जाना है वो होटल जो है। तो मैं घर वापस पहुँच चुका हूँ काफ़ी स्ट्रगल के बाद। घर वाले कहाँ हैं? ये कौन छुपा हुआ है यहाँ पे? ओहो हो, क्या चल रहा है जी? टाइम से है? हाँ तो बस ठीक है, जीत गए पहला मैच हम। यस, तेरा का मैच? मैच तो जैसे हमारा ही इंतजार कर रहे थे, हम गए खेले और आ गए। हाँ चलो, एक मैच तो जीते कम से कम। नेक्स्ट राउंड देखते हैं, नेक्स्ट राउंड सेकंड राउंड में क्या बनता है। तो फाइनल तो होगा ना, अभी तो ऐसे जैसे पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा, ऐसे फिर जाके फाइनल होता है ना। अच्छा, तो अभी तो और भी मैच होंगे। बढ़िया, तो काफी मजा आया। ओह, खटके बिल्कुल नजदीक जिगनी पुल में। अच्छा। स्कूल है ना वहाँ पे खटके साथ। तो हाँ जी, तो क्या, तो फिर क्या करना था वहाँ पे? मैच हो गया था हमारा, अब कल है, या कल नहीं, मैं जब भी नेक्स्ट होगा, अभी बर्फ ना पड़ जाए। अच्छा, तो आप लोगों ने लंच कर लिया? नहीं, नहीं? चलो लंच करते हैं, मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया। हेलो, क्या कर रहे हो जी? बुखारी जला रहे हो? बुखारी क्या, इसमें मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आप रेस्ट कर रहे हो? सो के तो नहीं उठे आप? शाबाश, बीमार हो आप? बीमार नहीं, वैसे ही रेस्ट। पापा कहाँ गए? अभी मैं यहाँ से बगीचे की तरफ आया तो देखा कि ये यहाँ पे लग चुकी है पाल्टियाँ। अब सीड्स डाले हैं इसमें, तो प्लांट बनेगा और फिर उस प्लांट को हम लगाएंगे, यूज़ करेंगे। तो पापा सुबह से शायद यही काम करवा रहे होंगे। कहाँ गए आपके बंदे? वो अभी लगा के गए, ये प्लांट्स नर्सरी लगाई है ना। अच्छा, ये बीज लगाया सेब का। हाँ जी, सेब का बीज लगाया और ये उस बेड बना के इस पर घास डाल के बीज इसमें लगा दिया है। ठीक, और ये बैठे, ये बैठे और आगे को और है, ये काफी सारे बीज लगाया हुआ है। हाँ जी, और जब ये इसके प्लांट्स अगले साल को प्लांट्स तैयार हो गए। हाँ जी। अच्छा, कुछ अगले साल भी हम प्लांट्स बेच सकते हैं, पर उसके बाद फिर ग्राफ्टिंग करके। हाँ जी, अच्छी अच्छी वैरायटी की ग्राफ्टिंग करके ना प्लांट तैयार करेंगे, फिर अपने खेत में अच्छी अच्छी वैरायटी हम पैदा करेंगे। और आगे को भी कहीं लगाया ना आपने? आगे भी है। अच्छा अच्छा, तो इस तार से क्या कर रहे हो आप? फेंसिंग करेंगे इसकी। तार से फेंस करेंगे ताकि कुत्ते वगैरह घुस इसके अंदर ना। अच्छा ठीक ठीक, वो सारा वो। हाँ वैसे इसमें फायदा ये है कि आपको सिर्फ इस तरफ से ही करना है, क्योंकि उस तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। अच्छा अच्छा, वो दूसरे वाला कहाँ पे? तो पापा ने यहाँ पे गड्ढे भी करवा दिए, इस बारी जो प्लांट्स लगाने हैं तो इस तरह से लगेंगे। यहाँ पे खाली सा स्पेस था, और ये यहाँ पे जो एक नीचे खेत है यहाँ पे भी लगा दिए वो सारे सीड्स। वाओ, परे तक, क्या बात है। तो जो सीड्स थे वो मुझे नेहा के फादर ने दिए थे, वो सारे कंज्यूम हो गए? हाँ जी, अच्छा हाँ जी, इसके लिए मैंने स्पेशल बुलाए थे। अच्छा, कुछ लोग। अच्छा, एक सीड कैसे लगाना है? हाँ हाँ, उन्होंने सीड लगा के अब अभी थोड़ी देर पहले फारिग हो गए थे। अच्छा, सीड इसलिए जल्दी लगाना पड़ा क्योंकि फोरकास्ट था आज 1 बजे का कि भाई आज 1 बजे से बारिश और बर्फ शुरू हो जाएगी। ठंडी ठंडी हवा तो चली है, पर अब धूप भी है, बादल वैसे है नहीं, बादल भी आगे घर से। हाँ, रात को हो सकता है, मे भी शायद रात को स्नोफॉल हो जाए। लगाना जरूरी था क्योंकि सीड पर बारिश होगी तो अच्छा है, अगर पहले बारिश हो जाती फिर मिट्टी गीली हो जाती है। हाँ हाँ, फिर सुखाने में टाइम लगता है, फिर लेट हो जाती है इसके लिए, सीड के लिए। हाँ जी, तो इसलिए ये कि भाई पहले ही इसको लगा के अब इसके बाद इसके ऊपर अगर बर्फ या बारिश भी आएगी तो बढ़िया, तो वो इसके लिए बेटर है। बेटर, अच्छा चलो, ये तो अच्छा हो गया काम के वो सीड्स भी यूज हो गए। मुझे यही टेंशन थी कि वो सीड्स अगर ऐसे ही वेस्ट हो गए तो उन्होंने कहना है कि इतनी मेहनत से दिए भी और लगाए भी नहीं। एक विश्वास होता ना। हाँ जी, कि भाई उन्होंने जो चीज दी है अगर हम उसका मिसयूज करें, फेंक दे, उसकी कदर ना करें, वो भी अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, जब उन्होंने दिया है तो हमारे को उसको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर एक उसको हमने एक रिस्पेक्ट देने के लिए हमने सीड लगा दिया इस बार, ताकि एक
अपना फायदा भी हो जाए, उनको भी अच्छा लगे कि भी हमने जो चीज दी उनका उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ। बिल्कुल, तो मैं बस जा रहा हूँ लंच करने। आपने कर दिया लंच? हाँ। चलो मैं लंच करके आता हूँ। ठीक है, तो आज मैंने मैच के लिए स्पेशल लेंसेज डाले थे। अब इतने सालों बाद मैंने लेंस पहने, बहुत अजीब लग रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं भी शुरू हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि लेंस भी चेंज कर लेता हूँ। लंच भी नहीं किया, मैं लंच भी कर लेता हूँ। तो मौसम बदलने लगा है और मैं और दादी जा रहे हैं कहीं पे, तो जो मोनू भैया और बंटी भाई हमारे ब्लॉग में आते रहते हैं उनके घर हम जा रहे हैं। उनका घर है यहाँ नीचे। और दादी, एक रिवाज होता है पहाड़ में जो हमारे अपर हिमाचल में कि बिस्किट साथ लेके जाते हैं, तो आप बताएंगे बिस्किट क्यों लेके जाते हैं साथ? बच्चे हैं ना छोटे। अच्छा, है ना, तो अच्छा लगता है। फिर ना खाली हाथ से क्या जाना, फिर थोड़ा सा ये भी लगता है कि भाई हाँ, बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ कुछ पकड़ा के आ गए। गुड। हाँ, तो बाकी ऐसे भी है बेचारे, हमारे लिए तो सारे है बच्चे ही बच्चे, भाई थोड़ा जो कर सकते करो। बिल्कुल, करम अपना सही। तो मैं और दादी अभी नीचे को जा रहे हैं, तो उनके घर में आपको पता है दो खरगोश भी है, छोटे छोटे। हाँ, और इतने छोटे छोटे लाए थे, अब बड़े हो गए वो, चलो वो भी देखूंगा मैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पीछे काफी कीचड़ था, दादी के तो जूतों में लग गया सारा कीचड़। दादी गिरने गिरने से अभी बचे है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये घर है इनका। अभी देखते घर पे कौन कौन है। मुझे अभी पता चला कि घर के नीचे तरफ है खरगोश और इसमें हो गए। देखना कितनी अच्छी स्पेस है इसमें। आप देखो इतनी सी स्पेस रहती है इतनी हाइट का है, ताकि छोटे जो जानवर है उसके अंदर रह सके और जो भी कुछ करना है तो स्पेस भी है, कुछ दाने रखे खाने के लिए। और इसके अंदर मैं इसको खोल के देखता हूँ, बहुत ही क्यूट सी चीज़ है ये। ओह, इसके अंदर तो मुर्गा भी है, खरगोश एंड मुर्गा। आ जा, आ जा। अब इसको बाहर कैसे लाऊं? ये ले। आजा आजा आजा, ये ले ले। भूख लूख। आजा 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 आजा, ये ले। ये देख हरा घास, ये देख ये देख ये देख ये देख। आजा 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 आजा, बाहर आजा, बाहर आ जाओ दोनों, आ जाओ आ जाओ। गुड बॉय गुड बॉय, कम कम आओ। हो डिसाइड कर रहे हो क्या आना है कि नहीं? जल्दी आओ, ये लो। हेलो हेलो, छूंगा तो भाग जाएंगे। हेलो पुटलू, आ जा मैं बैठू इधर। ये ले, ये देख ये देख, ये धोखा। तो सोचा थोड़ा इनको जगह दे देते हैं, बाहर आ जाएंगे। तो ये तो एक आ गया है, मुर्गा तो अपने घूमने को चले गया है। आ जा आ जा आ जा आ जा, 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 मैं तभी पकड़ पाऊंगा, जल्दी आ जा। इसमें नहीं जाना, इसमें नहीं जाना चोर। ये तो इसमें चला गया दाने देख के, आई थिंक कहाँ गया है। अरे यहाँ कहाँ कहाँ जा रहा है, तू आ गया यहाँ पे। ये हुई ना बात, पकड़ा गया। हेलो, कहाँ भाग रहे थे आप हमसे गंदे बच्चे? दादी बन गई है खतरों के खिलाड़ी और कहीं से भी इन्होंने जो है ना ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वैसे तो रास्ता ये था यहाँ से, पर ये दादी तो पहुँचने वाले यहीं पे, ऊपर सड़क है। चलो ठीक है, तो अभी मैं लास्ट आधार आया हूँ, तो सामने वाले पहाड़ों में देख सकते हो अभी बर्फ है, और यहाँ पे इस इलाके में भी काफी बर्फ है, और वो जो फेस वहाँ दिखता है पहाड़ में वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फ है। तो अभी मैं ग्राउंड की तरफ को जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़ोन आया था। हो सकता है कि जोश आ गया हो लड़कों में, एक मैच जीत चुके हैं, तो देखता हूँ कौन कौन है वहाँ पे। देखो जोश इज ऑन, इतनी ठंड में भी खेला जा रहा है क्रिकेट। तो बाउंड्री कुछ इस प्रकार है कि ऑफ साइड में सिर्फ इतना ही मिलेगा, स्ट्रेट में काफ़ी स्पेस है, और कुछ फील्डर को ऐसे ऊपर चढ़ाई में खड़ा रहना पड़ता है। तो हिमाचल में इसी तरह से खेला जाता है क्योंकि जगह कम होती है। तो ये देखिए ये, तो हम लोग अभी फ्री हुए हैं, घर जा रहे हैं, और देख सकते हैं किस तरह से मौसम खराब हो चुका है और बर्फ गिर चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बर्फ जो है हवा के साथ आ रही है, बहुत तेज मुंह पे बज रही है। अगर आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो घर पहुंचना होगा, नहीं तो भीग जाऊंगा मैं। तो ये था मेरा आज का दिन, जिसे मैं बोल सकता हूँ अनएक्सपेक्टेड डे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सो रहा हूँ और मुझे कॉल आएगी और मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा और एक क्रिकेट मैच भी खेल लूंगा। अब मुझे दर्दे बहुत ज्यादा हो रही है। मैं पहले मना कर रहा था कि मुझे पता था कि इतने टाइम बाद खेले दर्दे होनी है, और अब क्या कर सकते, मना भी नहीं कर सकते। पर काफी मजा आया। अभी शाम को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने गए थे, क्योंकि आपको पता है हम पहला मैच जीत चुके, तो सेकंड मैच के लिए भी जाना पड़ेगा। अभी तो बर्फ पड़ रही है, जब भी मौसम साफ हो जाएगा, अगर बर्फ नहीं पड़ी तो हो सकता है कल भी हो वो राउंड, सेकंड राउंड। कोशिश करेंगे उसको भी अच्छे से खेलेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस होती तो और अच्छा हो जाता।
अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और देखते रहे अक्षय दिलीप ब्लॉग्स और जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।